रिज्यूमे राइटिंग टिप्स। रिज्यूमे यानी बायोडाटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे बारे में इंटरव्यूअर को सब कुछ बताता है। रिज्यूमे देखकर ही वो तय करते हैं कि हमें काम पर रखा जाए या नहीं। और कंपनी वाले रिज्यूम मांग रहे, तो मैंने तो मेरे हिसाब से बनाया है, सही है कि नहीं तो मुझको बताया। अरे यार तूने तो हाथ से लिखा है, क्यों यार कुछ प्रॉब्लम है? वैसे रिज्यूमे हाथ से नहीं बल्कि कंप्यूटर टाइप हो ना तो बहुत अच्छा होता है। कंप्यूटर नहीं हो तो किसी दोस्त के घर या जान पहचान वालों के घर जाके रिज्यूमे तू बनवा सकता है, या फिर साइबर कैफे में भी बनवा सकता है। थोड़ा खर्चा होगा पर बदले में अपना काम तो मिल रहा है। बहुत ही मुश्किल हालत हो, कंप्यूटर की सुविधा ना हो तो एक अच्छे एडिटिंग वाले शख्स से रिज्यूमे लिखवा लो। समझ गया दोस्त, तेरे पास तो लैपटॉप है ना, मेरी मदद करेगा रिज्यूम बनाने में? नहीं। अरे यार क्यों नहीं बनवाऊंगा, चल बना देता हूँ। आज मैं तुझे एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनवाते वो बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो सब। जैसे कि हम सब जानते हैं रिज्यूमे हमेशा इंटरव्यू के पहले भेजा जाता है, और हमेशा इंटरव्यू और रिज्यूमे जॉब इंटरव्यू के पहले देखा जाता है। यानी कि रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने बारे में सब कुछ कहता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक इंटरव्यूअर देखकर ये तय करता है कि आपको जॉब देना चाहिए या नहीं। आपका रिज्यूमे ही ये तय करवाता है कि आप उस कंपनी के लिए कितने आइडियल एम्प्लॉय बनोगे। दोस्तों आपको पता है ये जब आप किसी इंटरव्यूअर के लिए अप्लाई करते हो तो उस कंपनी में हजारों रिज्यूमे का बंडल जमा होता है, तो क्या तू ये नहीं चाहता कि उस रिज्यूमे के बंडल में से तेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हो और तुझे इंटरव्यू बुलाया जाए? कितनी खुशी की बात है, सोच कर एक्साइटमेंट होती है। हाँ भाई, अब ये तो पता रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। क्या दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता? लगता है ना, तो कागज और कलम उठाओ और नोट करो। भाई रिज्यूमे पेपर का साइज क्या होना चाहिए? याद रख एक प्रोफेशनल रिज्यूमे का पेपर साइज A4 होता है, उससे ना छोटा ना बड़ा। और हाँ ये भी ध्यान रखना कि पेपर क्वालिटी अच्छी हो, गुड वाइट पेपर। और हाँ रिज्यूमे सिर्फ एक ही पेज तक सीमित रखे, एक से ज्यादा पेज होने पर इंटरव्यूअर उसे साइड में निकाल कर रख देंगे ताकि बाद में पढ़ा जाए और फिर वो बाद में कभी नहीं आता। हाँ एक से ज्यादा पेज का इस्तेमाल तब करना जब कोई ठोस कारण हो। अच्छा जो लिखना है वो कितना बड़ा होना चाहिए? अच्छा तू फॉन्ट साइज की बात कर रहा है? फॉन्ट साइज रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा 2 फॉन्ट साइज का यूज करना चाहिए। मेन हेडिंग के लिए 14 फॉन्ट और कंटेंट के लिए 12। मेरे बात मानो, इसके अलावा कोई फॉन्ट यूज मत करना। चाहिए तो मेन हेडिंग को बोल्ड या अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब तुझे फॉन्ट स्टाइल के बारे में जानना होगा ना? अरे यार फॉन्ट स्टाइल एकदम सिंपल होना चाहिए। बस सुझाव यह है कि टाइम न्यू रोमन या एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल करो। फॉन्ट जितना भी सिंपल और सरल हो इंटरव्यूअर को उतना ही आसानी से रीड कर सकता है, और इस प्रकार रिज्यूम सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना फॉन्ट स्टाइल जैसे ये, अगर ऐसे फॉन्ट में रिज्यूमे लिखा तो इंटरव्यूअर बहुत हुआ तो एक लाइन पढ़ेगा या फिर तो देखते ही उस रिज्यूमे को साइड में उठाकर रख देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्त कि रिज्यूमे में जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिक्स मतलब? जॉब स्पेसिफिक्स नहीं, जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ वही, इसका मतलब? इसका सरल अर्थ ये है कि ये मान ले तू बॉडीगार्ड के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो रिज्यूमे में हाइट वेट या एक्सेट्रा फिजिकल स्ट्रेंथ का डिस्क्रिप्शन देना होगा। और यदि कोई कंप्यूटर से जुड़े जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो कंप्यूटर से जुड़े स्किल्स का डिटेल्स रिज्यूमे में डालना होगा।
अब तू सोच कि बॉडीगार्ड के नौकरी के लिए कॉम्पिटेंसीज किस काम का, या कंप्यूटर के नौकरी के लिए फिजिकल किस काम का। हाँ भाई समझ गया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट होने का कारण हो सकता है। और जल्दी समझ गया तू तो यार। चल अब इतना सारा इंफॉर्मेशन मुझसे लिया, अभी रिज्यूमे टाइप करना चालू कर। भाई तूने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन रिज्यूमे में कंटेंट क्या डालूं? अरे हाँ यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, तू टाइप कर दे जा। सबसे पहला अपना पर्सनल डिटेल्स लिख, जैसे कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड वेयर इज सिटी। फिर अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में डिटेल्स लिखो। अरे मैंने दो कंपनी में काम किया है, पहले कौन सा लिखो? एक लेटेस्ट जॉब यानी हाल ही में जहाँ जॉब किया वो पहले लिखो, फिर उसके पहले कहाँ काम किया था वो लिखो, और हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना। और हाँ हो सके तो तूने उस कंपनी में कब से कब तक काम किया है वो भी लिखना, अच्छा इम्प्रेशन बनेगा, समझा? हाँ तूने समझा, मेरे समझ में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ मैं अपना एजुकेशन डिटेल भी इसी ऑर्डर में डालूँ, लेटेस्ट फर्स्ट। एकदम सही, जैसे कि 12वीं पहले, फिर 10वीं, फिर अपने स्किल्स यानी कि क्वालिटी के बारे में बताओ, फिर अपने अचीवमेंट, और फिर आखिर में इंटरेस्ट या हॉबी। और हाँ इंटरेस्ट लिखते समय ध्यान रखना कि आपके इंटरेस्ट उस काम के लिए बेहतर रहेंगे। ये प्रश्नों को ध्यान रखकर ही अपना डिटेल्स पूरा करो। अब आखिर में तारीख, जगह और सिग्नेचर लिखो ताकि प्रिंट में वो तुम लिख सको। बहुत बहुत रिज्यूमे एकदम परफेक्ट होता है, उसमें इंफॉर्मेशन भी एकदम सही होता है, फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। उसका रीजन ये होता है कि रिज्यूमे का अलाइनमेंट अक्सर गड़बड़ होता है, तो हमेशा ध्यान देना कि रिज्यूमे का इंफॉर्मेशन सही हो और अच्छी तरह अलाइन हो। करेक्शन करने के बाद रिज्यूमे बहुत ही अच्छा लगता है। हम अक्सर रिज्यूमे बनाते हैं और हमें रिज्यूमे परफेक्ट लगता है, पर जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। इसलिए जब भी रिज्यूमे बनाओगे तो कम से कम दो लोगों से उसे रीड करवा लो। जैसे कि तेरा रिज्यूमे मैं रीड कर रहा हूं, पर इसके पैसे लूंगा। इस सीक्रेट की बात बताता हूं, अक्सर इंसान को दूसरे की गलती सबसे पहले दिखाई देती है, इसलिए इंटरव्यू गलती पकड़ने से पहले ही रिज्यूमे किसी से चेक करवा ले ताकि सही समय पर उसका करेक्शन हो सके। मुख्य रूप से ध्यान रखना स्पेलिंग एरर, पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर या फिर अलाइनमेंट का मिस्टेक आपके रिज्यूम में ना हो। हाँ भाई मैं समझ गया, अब ये ले मेरा रिज्यूम का प्रूफ रीड कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं तो समझ गया रिज्यूमे कैसे बनाता है, आप समझ गए ना? अब जैसे मैंने रिज्यूमे बना वैसा आप भी बनाइए और इंटरव्यू के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट। मैं जब जॉब के लिए हमेशा जाती तो मुझे हमेशा रिजेक्शन मिलता था, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स हाथ से लिख कर देती थी। उसके बाद मैंने युवा परिवर्तन ज्वाइन किया, फिर एसकेपी के लेक्चर में जब मैंने बैठी तो मुझे मैम ने गाइडेंस किया कि रिज्यूम कैसा बनाते हैं, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गई। फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लेकर आपकी नौकरी पक्की होती है। अभी मुझे नौकरी मिल गई है, अब तो आपको विश्वास होगा ना। हमने क्या सीखा, रिज्यूमे क्या होता है, एक अच्छा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, अच्छा रिज्यूमे कैसे आपको नौकरी दिला सकता है।